नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से न्यूज चैटर में। दोस्तों, इस वक्त एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है चाइना से, और इस खबर के ऊपर दुनिया की सारी देशों की नजर बनी हुई है, क्योंकि चाइना की जो इकोनॉमी है वो कोलैप्स होने की कगार पर आ गई है। दरअसल चीन के पूर्व वित्त मंत्री लो जीबेई ने खुलासा किया है कि चीन की वित्तीय स्थिति जो है वो आज की टाइम पर खतरे में है और बेहद ही जोखिमों से और चुनौतियों से गुजर रही है। इसका कारण उन्होंने कहा कि राजकोषीय घाटा जो हद से ज्यादा बढ़ता जा रहा है, और ये घाटा आने वाले टाइम पर बिल्कुल भी कम नहीं होने वाला, बल्कि और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। लो जीबेई ने कहा, आक्रामक अमेरिकी नीतियों, कोरोना के दौरान वैश्विक आर्थिक मंदी, चीन की बढ़ती आबादी और घरेलू स्थानीय सरकारी कर्ज के चलते ये राजकोषीय घाटा देखने को मिले हैं। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि आने वाले 5 वर्षों में राजकोषीय घाटा कम नहीं होगी, बल्कि और भी ज्यादा बढ़ेगी। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी। जीबेई ने कहा, खर्च में कटौती की कोई संभावना नहीं होने से अगले 5 वर्षों में चीन का राजस्व कम रहने की उम्मीद है। जीबेई ने कहा, वित्तीय कठिनाइयां एक कठिन अवधि या अल्पकालीन मुद्दा नहीं है, बल्कि ये मध्यम अवधि में भी गंभीर रहेगी। लो जीबेई ने दिसंबर में ही इस तरह की बात कही थी, लेकिन हाल ही में इस बयान का सार्वजनिक किया गया है। ये ऐसे समय पर किया गया है जब कुछ दिन बाद ही चीन के शीर्ष नेता आर्थिक नीतियों को लेकर सालाना होने वाली विदाई सत्र में मुलाकात करने वाले हैं। सीपीपीसीसी के विदेशी मामलों की समिति के निदेशक लो जीबेई ने कहा, घरेलू स्तर पर चीन की वित्तीय स्थिति के लिए अनिश्चितता और चुनौतियां हैं। उन्होंने कहा, चीन ने 2009 से लगातार 11 वर्ष के लिए एक विस्तारवादी वित्तीय नीति का संचालन किया। इसके नतीजा निकला कि राजकोषीय घाटे में निरंतर वृद्धि हुई और देश का कर्ज का आकार बढ़ता रहा। उन्होंने कहा कि चीन की बढ़ती आबादी आने वाले सालों में दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाले देश की वित्तीय स्थिरता के लिए गंभीर चुनौतियां पैदा करने वाली है। जीबेई ने कहा, देश में बुजुर्गों की आबादी में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, इस वजह से राजकोषीय खर्च और आकार का संरचना बदल रही है। तो वही देश के अब बुजुर्गों की देखभाल पर खर्च करना होगा, इससे सरकारी वित्त पर दबाव बढ़ेगा। उन्होंने कहा, हम एक सदी में हुए कुछ बड़े बदलावों का सामना कर रहे हैं। घरेलू आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में बदलाव, वैश्विक आर्थिक मंदी, सरकारी कर्ज और वैश्विक व्यापार में होने वाला टकराव, ये सभी चीजें चीन की वित्तीय स्थिति के लिए भारी अनिश्चितता और गंभीर चुनौतियां पैदा करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपने राय बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले।